उत्तर प्रदेश विधानसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बहुत सारे ऐसे वायरस होते हैं जिसमें प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। इसके लिए हर जनपद में ब्लड सेपरेट यूनिट दी जा चुकी है। प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य बीमा सरकार उपलब्ध करवा रही है। किसी भी प्राइवेट अस्पताल में भी सुविधाएं मिल रही है। अपने अपना एक साइकिलिस्ट का होता है, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि जो सदस्य यहां पे प्रश्न उठा रहे थे, अब एक बहुत सीनियर सदस्य हैं, वो तो जब चिल्ला रहे थे तो मुझे उनके स्वास्थ्य की भी चिंता हो रही थी, रविदास मल्होत्रा जी की। उसको आपने जो बात कही है वह ब्लड ट्रिप नहीं था, उसको प्लेटलेट्स कहते हैं, ठीक है ना, प्लेटलेट्स कहते हैं, और वह पर्याप्त मात्रा में हर जनपद में आज के दिन पे उपलब्ध है। ब्लड सेपरेटर यूनिट, पहले होता क्या था कि हम होल ब्लड चढ़ाते थे, हर एक पेशेंट पे होल ब्लड की आवश्यकता नहीं, खासतौर पर वायरल जनित जो ये बीमारियां होती हैं जिसमें डेंगू है या बहुत सारे ऐसे वायरस आते हैं जो प्लेटलेट्स काउंट को कम करती हैं, उन स्थितियों में प्लेटलेट्स की अतिरिक्त आपूर्ति के लिए उस व्यक्ति को उसको बाहर से, याद रखना है डबल इंजन की सरकार है, ये केवल बोलती नहीं करके दिखाती भी है। प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी ये सरकार उपलब्ध करा रही है। वह किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में, वह सरकारी हो, सरकारी में सारी सुविधाएं फ्री में हैं, लेकिन किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तो वहां वे सुविधाएं मिल रही हैं। और ये पूरा सदन गवाह है कि हर माननीय सदस्य को इस सदन के द्वारा अपनी निधि से 25 लाख रुपए सालाना देने का अधिकार दिया गया है। और यही नहीं,